Dear students, applications of simplicial complexes in commutative algebra, इसको हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे. उसको कंटिन्यू करने के लिए जो कि हमारा मोटिवेशन क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम लेते हैं अलजबरा में से और उस प्रॉब्लम को ईजीली कंप्यूट करते हैं इन कम्बिनेटोरिक्स. ठीक है, ये हमारा मोटिवेशन है सारा जिसपे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, अब ये है कि एक और अलजबराइक इन्वेरियंट कंप्यूट करने के लिए वी नीड टू स्टडी अ वेरी नाइस क्लास ऑफ सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्सेज एंड दैट नाइस क्लास ऑफ सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्सेज इज कॉल्ड शेलेबल सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्सेज. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम शेलेबल सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्सेज को डिस्कस करेंगे जो कि आल्सो कॉल्ड शेलिंग शेलेबिलिटी. ठीक है, तो अब क्या है कि उसको डिस्कस करने से पहले एक मैं सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स आपको रिवाइज करना चाहूँगा आपको कि यू नो दैट द प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज द प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स? प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है एक ऐसा सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स है जो कि दैट इज जनरेटेड बाय दोज फैक्टर्स जिनकी तमाम की डायमेंशन जो है वो सेम है. तो सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ऑफ डायमेंशन डी माइनस वन इज प्योर इफ ऑल फैसेट्स ऑफ डेल्टा हैव डायमेंशन डी माइनस वन. ठीक है, क्योंकि d माइनस वन डायमेंशनल है तो फैसेट जो मैक्सिमम डायमेंशन का फेस होगा उसकी डायमेंशन भी जो d माइनस वन होगी. अब हम कह रहे हैं कि तमाम फैसेट की डायमेंशन सेम है तो तमाम की डायमेंशन जो है वो d माइनस वन के इक्वल होगी. दैट मीन्स डायमेंशन d माइनस वन है. दैट मीन्स कि आपके पास इफ f बिलोंग टू डेल्टा इज अ फैसेट दैट मीन्स इसकी कार्डिनेलिटी जो है दैट कार्डिनेलिटी इज इक्वल टू d. तमाम फैसेट्स की कार्डिनेलिटी जो है वो डी के बराबर आएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स ये के दो ट्राइंगल्स पे के साथ मिलकर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स बने हैं. अब दो ट्राइंगल्स हैं, दो इसके फैसेट्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स की डायमेंशन टू के बराबर है, डी इस केस में थ्री के बराबर है, तो ये एक प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक ट्राइंगल के साथ एक एज एसोसिएट कर दूंगा तब एज की डायमेंशन जो है इसकी डायमेंशन वन होती है, इसकी डायमेंशन टू होती है, तो दिस इज नॉट अ प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स. प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास फैसेट्स आएंगे उन तमाम फैसेट्स की डायमेंशन जो है वो सेम आएगी. एक और एग्जाम्पल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो कि आपने पहले भी पढ़ी थी, जो कि ग्राफ्स हैं, मतलब कोई भी ग्राफ जी ले लें, दैट ग्राफ जी इज एक्चुअली अ प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ डायमेंशन वन. क्योंकि कोई भी आप ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आप सी फाइव ले लो, दैट सी फाइव उसके अंदर आपके पास कितने वर्टिसेस हैं? यू हैव फोर फाइव वर्टिसेस और आपके पास जो सारे के सारे एजेस हैं वो बेसिकली इस केस में फैसेट्स हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर जो फैसेट होता है उसकी डायमेंशन जो है वो इक्वल टू वन है. ठीक है, तो एक मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स हो और ना ही कोई लूप हो और ना ही मल्टीपल एजेस हो. ठीक है, तो आपके पास दैट उस ग्राफ के अगेंस्ट आपके पास वो ग्राफ जो होगा वो एक प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ डायमेंशन जो है वो वन होगा. ठीक है, अब हम अपनी असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि जिसको डिफाइन करने के लिए, यानी कि शेलेबल सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स. तो अब प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स हम ये शेलेबिलिटी किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? प्योर के लिए. अब रिसर्च हो रही है कि ये नॉन प्योर के लिए भी शेलेबिलिटी डिफाइंड हुई है, लेकिन अभी हम इस कोर्स के अंदर इसको प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स तक रखते हैं. अब प्योर सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स डेल्टा इज शेलेबल इफ द फैसेट्स ऑफ डेल्टा कैन बी लिस्टेड एफ वन से एफ एन, यानी कि उसके कितने फैसेट हैं? उसके एन फैसेट्स हैं और उन n फैसेट्स को हमने f1 से लेकर fn तक लिस्ट कर दिया, यानी कि उसकी ऑर्डरिंग कर दी. शेलेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली उनके फैसेट्स की ऑर्डरिंग होती है जो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है, खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होती है. इन नटशेल शेलेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने सिम्प्लिशियल कॉम्प्लेक्स के जो फैसेट्स हैं उनको एक खास ऑर्डर में लिखना है, दैट इज शेलेबिलिटी. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए वो हम इस डेफिनेशन में देख रहे हैं. दैट कैन बी लिस्टेड एफ वन से लेकर एफ एन तक सच दैट फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि वन से लेकर एन तक जो आपके पास फैसेट्स हैं उनको आपने ऑर्डरिंग में किया.
और उनके दरमियान आपने दो इंडिसेस ले लिए, एक आपने जे लेस देन आई ले लिया, ठीक है, उन दोनों के दरमियान आपने ले लिया। जैसे अगर आपके पास एन इज इक्वल टू थ्री है तो जे आई की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3, ठीक है। देर एग्जिस्ट सम वी बिलोंग टू एफ आई माइनस एफ जे, ये एफ आई माइनस एफ जे जो है इसको मैं अभी इसके बाद वाली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि ये माइनस का मतलब क्या है, कि एफ माइनस एफ जे क्या ले रहे हैं। फैसेट्स या फेसिस जो है सिंपलीशियर कॉम्प्लेक्स के अंदर, दो आर एक्चुअली सबसेट्स। तो ये एफ आई माइनस एफ जे का मतलब ये है कि आपने एक खास जो फेस फैसेट में से दूसरे फैसेट को माइनस करने का मतलब ये है कि एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है। एंड सम के बिलोंग्स टू इंडिसेस हैं वन से लेकर आई माइनस वन तक, ठीक है, यानी कि आई ले लिया और आई वन से लेकर आई माइनस वन तक ले लिया विद एफ आई माइनस एफ के इज इक्वल टू वी। ये वही वी है जो कि एफ आई माइनस एफ जे में से था। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी इसकी जो है वो आपको डेफिनेशन लग रही है कि ओके, ये उस वक्त तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी जब तक हम इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि खास ऑर्डरिंग में करना है सच दैट कि आपके पास अब जैसे आई आपने वी एफ आई माइनस एफ जे लिया है और नीचे जो इंडस्ट्रीज आप के को रन कर रहे हो, के को आप रन कर रहे हो वन से लेकर आई माइनस वन तक, तो इसका मतलब यह है कि आप पहले 1, 2 को चेक करोगे, फिर 1, 2, 3 को चेक करोगे, 1, 2, 3, 4 को चेक करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम आप एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल में चीजें मजीद जो है वो आपके क्लियर होंगी कि ये आपके पास इसकी जो शेलेबिलिटी है वो कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स एंड दैट सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स इज दिस वन। ठीक है, इसके जो वर्टिसेस हैं दो वर्टिसेस आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है जी। अब ये सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स का सेट ऑफ फैसेट्स जो हैं, दैट सेट ऑफ फैसेट्स इज जो कि जिसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश एफ से लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय ओके 1, 2, 3, देन आई हैव 3, 4, 5, then I have 5, 6, then I have 4, 7, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ओके इसको नाम दे देता हूं कि ये आपके पास एफ वन है, ये आपके पास एफ टू है, ये आपके पास एफ थ्री है, ये आपके पास एफ फोर है, then what is एफ वन माइनस एफ थ्री, दैट इज एक्चुअली एफ वन माइनस एफ थ्री, एफ वन में से मैंने एफ थ्री को माइनस करना है। अब एफ वन तो आपके पास 1, 2, 3 है और F3 जो है आपके पास 5, 6 है, तो इसका मतलब कोई भी चीज इसमें से माइनस नहीं होगी और ये इट सेल्फ जो है ये 1, 2, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज इसमें से है नहीं जिसको हमने इसमें से माइनस करें। देन फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 करना है ये 1, 2, 3 है और F2 आपके पास 3, 4, 5 है, तो 1, 2, 3 में से 3, 4, 5 माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 माइनस होगा, बाकी 4, 5 का कोई इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर इसको मैं इसी F1 माइनस F3 को जो मैंने लिखा है उसको अगर मैं स्केच करूं तो ये F1 माइनस F3 जो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड F1 माइनस F2 करूं, F1 माइनस F2 का मतलब ये है कि उसमें से मैंने 3 को माइनस कर दिया, मतलब इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये F1 है या आपके पास F2 है, जब आपने F1 में से इस F2 को निकाला है तो ये 3 इसमें से माइनस हो गया। अब 3 को माइनस होने का मतलब ये है कि 3 के साथ जो जो फेसेस एसोसिएट हैं F1 के वो भी साथ चले जाएंगे क्योंकि वो वर्टेक्स ही नहीं रहा, जब वर्टेक्स ही नहीं रहा तो उसके साथ जितने भी सेट्स होंगे वो भी इसके साथ नहीं पड़े होंगे, दैट मीन्स कि आपके पास यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस 1, 2। ये इंपॉर्टेंट है इसी चीज को हमने आगे यूज करना है कि हम माइनस कैसे यूज करते हैं। एक और ले लेते हैं, लेट्स से F2 माइनस F3, ठीक है, इस केस में आपके पास F3 जो है दैट इज 5, 6, 5, 6 का मतलब ये कि इस F2 में से ये आपने F3 आपने 5, 6 माइनस करना है, इट मीन्स कि आपके पास 5 चला जाएगा, जब 5 चला जाएगा तो बाकी आपके पास जो है वो एक 3, 4 बच जाएगा जो कि एक एज है। तो ट्राइंगल में से अगर आप एक वर्टेक्स को निकाल देते हो देन यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 जो है वो आपके पास इसके साथ बच जाएगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल मैंने की है आपको ये बताने के लिए कि आपने F-1 या F-2 या F I- कैसे जो है वो कंप्यूट करना है। अब हम चलते हैं हमारी एग्जाम्पल जो कि शेलेबिलिटी हमने चेक करनी है उसके लिए। वी टेक अ सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स एंड दैट सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स इज दिस वन। इस सिंपलीशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर दीज आर थ्री
फील्ड ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद इसके मैं जो वर्टिसेस उसको मैं लेबल कर रहा हूं, x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5, ठीक है जी। अब हमने बेसिकली चेक क्या करना है, अब हमने इनके जो फैसेट्स हैं उनको एक ऑर्डरिंग में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट स्टार्टिंग के तौर पे यहां पे मैं इसको कहता हूं कि दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3। अब सिर्फ ये देखना ये कि वो जो हमने शेडेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी उस डेफिनेशन के अंदर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस कैसे इसके अंदर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं f1 f2 को लेते हुए। याद है ना वो जैसे आपने लिखा था कि 1 इज लेस देन i, लेस देन j, लेस देन i, लेस देन इक्वल टू n। तो इस केस में आपके पास n जो है, इस केस में सिंस यू हैव थ्री फैसेट्स, सो इस केस में आपके पास n जो है वो 3 के बराबर है। ये 3 मैंने इसलिए लिखा है कि इसके नंबर ऑफ फैसेट्स 3 के बराबर है, इसकी फैसेट की डायमेंशन से कोई जो लेना देना नहीं है, ठीक है, ये बात याद रहे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ, हमने चेक ये करना है कि क्या f2 माइनस f1 के अंदर कोई वर्टेक्स है। f2 माइनस f1, f2 आपके पास जो है वो दैट इज दिस सिंपलेशियल कॉम्प्लेक्स, ये जो सेंटर वाला है, और f1 आपके पास ये वाला है जो लेफ्ट साइड पे है। अगर मैं f2 में से f1 को निकाल दूंगा, इट मीन्स कि f1 को निकालने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो x2 भी खत्म हो जाएगा, x3 भी खत्म हो जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विद दिस x4, ठीक है। x4 जो है वो f2 माइनस f1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगली चीज जो हमने चेक करनी है, सिंस यू वी हैव ओनली दीज टू फैसेट्स, सो दैट मीन्स वी हैव टू चेक वेदर दिस f2 माइनस f1 जो है ये इस x4 के बराबर है कि नहीं। यस इट इज, क्योंकि आपके पास ये x4 के बराबर है, तो ये f1 f2 को हमने ठीक ऑर्डरिंग में लिख दिया है इन दिस केस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि अब हम इसके अंदर ये f1 f2 इज ओके, तो हम इसमें f1 f2 के साथ f3 को भी ऐड कर लेते हैं। जब हम f2 f2 f3 को ऐड कर लेंगे तब आपके पास बेसिकली दो तरह की वैल्यूज बनेंगी, चेक करने वाली बनेंगी। एक आपने चेक करना है f3 माइनस f2, और दूसरा आपने चेक करना है f3 माइनस f1, ठीक है जी। अब f3 माइनस f2, f3 आपके पास ये राइट साइड वाली ट्राइंगल है, f2 आपके पास मिडिल वाली है। जब उसमें से आप राइट वाली में से उस f3 को निकाल दोगे, f2 को निकाल दोगे, तो आपके पास सिंपली जो है वो x5 बच जाएगा। ओके, तो x5 बिलोंग टू दिस वन, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड वी आल्सो नीड कि अगर आप f3 माइनस f1 करते हो तो आपके पास जो है वो आपने f3 में से जब आपने f1 माइनस किया तो बेसिकली x3 ही गायब होगा, x3 गायब होगा, और उसके बाद आपके पास यू आर लेफ्ट विद टू वर्टिसेस, दैट इज x4 और x5। मैं यहां पे x5 इसलिए लूंगा कि वही x5 हमें सेम चाहिए ये ऊपर वाले में भी जो हमने इससे पहले लिखा हुआ, ठीक है। अब अगली बात ये है कि क्या ये x5 जो है, दस दिस x5 इज इक्वल टू f3 माइनस f2। यस इट इज, ये इसके बराबर है, क्योंकि f3 माइनस f2 करेंगे आपके पास वो एक वर्टेक्स ही बचेगा x5, तो ये कंडीशन भी यहां पे ये होल्ड कर रही है, ठीक है। और सेकंड केस में क्या ये अगेन दिस इज इक्वल टू सेम f3 माइनस f2, मैंने क्योंकि x5 इसलिए लिखा था, ये x5 जो है ये बराबर आ रहा है f3 माइनस f2 का। आपको याद होगा डेफिनेशन के अंदर आपके पास यू नीड अ k फ्रॉम 1 अप टू i माइनस 1 सच दैट के ये कंडीशन जो है ये होल्ड कर रही हो। अगर मैं यहां पे x5 की जगह पर x4 लिख लेता, ठीक है, तो ना तो x4 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू f3 माइनस f2, और ना ही x4 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू f3 माइनस f1, ठीक है, वो उसके बराबर भी नहीं है और इसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि f1 उसमें से निकालेंगे f3 में से, तो यू आर लेफ्ट विद x4 एंड x5, ठीक है। तो x4 हम नहीं ले सकते, x5 ले सकते हैं, लेकिन एनी केस हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए थी, वो हमें वैल्यू मिल गई है, दैट मीन्स कि ये आपके पास f1 f2 f3 जो है दैट इज आ शेलिंग, जो कि हम शेलेबिलिटी इसकी सर्च आउट कर रहे थे कि ये f1 f2 f3 इसकी शेलिंग होगी। अब शेलिंग असल में था क्या कि हमने इनके फैसेट्स को एक ऑर्डरिंग करनी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल f1 f2 की जगह पर अगर मैं ऑर्डरिंग f1 f3 से स्टार्ट करता तो ये शेलिंग ना होती। f1 f3 से स्टार्ट करने से शेलिंग क्यों ना होती, वो इसलिए कि अब f1 मुझे चेक करना है f1 माइनस f3, f1 माइनस f3 जो है वो आपके पास दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या कोई इसमें ऐसा वर्टेक्स है f3 माइनस f1 में हो? जी बिल्कुल है। वो कौन सा है कि f3 में से f1 को आप माइनस करोगे तो आपके पास x4 भी आ गया, x5 भी आ गया। अगर मैं x4 लेता हूं इसमें से और अगली कंडीशन मेरी ये होनी चाहिए कि दैट x4 इज इक्वल टू f3 माइनस f1, जो कि नहीं है, इसको मैं x4 नहीं ले सकता।
और अगला वर्टेक्स कौन सा है जो इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो है x5 की. x5 बिलोंग टू f3 minus f1, तो लेकिन x5 भी जो है वो भी दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू f3 minus f1. दैट मीन्स कि मेरी ऑर्डरिंग फर्स्ट टू से ही खत्म होगी. ठीक है, ये जो यहां पे मैंने x4 लिया था और x4 ने कंडीशन सेटिस्फाई की थी, ऑन द अदर हैंड अगर मैं f1 f3 लूंगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो ये शेलिंग, मतलब शेलिंग का मतलब ये कि आप यू नीड टू हैव ओनली वन ऑर्डरिंग. हो सकता है किसी और ऑर्डरिंग लें तो वो शेलेबिलिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, जैसे यहाँ पे f1 f3 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये ऑर्डरिंग नहीं हो सकती, ये शेलेबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, शेलेबिलिटी इस केस में आपके पास क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू f1 f2 और f3. ठीक है, अभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एग्जाम्पल्स करते हैं.